एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो अभी जो रीडिंग्स करने जा रही हूँ, ये रीडिंग्स होंगी नेक्स्ट सिक्स मंथ्स की आप लोगों की। नेक्स्ट सिक्स मंथ्स आप लोगों की मंथ की एनर्जीज क्या होंगी और कौन सी वो घटनाएं जो घटित होकर ही रहेंगी। ओवरऑल एनर्जीज को भी पिक करेंगे कि उस महीने क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये सिक्स मंथ्स कौन से होंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, टोटल सिक्स मंथ्स होंगे। हर राशि का जो है एक एक करके पोस्ट डालूंगी, कभी कोई जो है मैं डालती रहूंगी। आप लोग बने रहो चैनल पे, सब्सक्राइब करके रखो। और अगर आप लोगों को रीडिंग बहुत पसंद आए, देखो यार एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, मैं आपसे शेयर सब कुछ एकदम सत्य के साथ, सच्चाई के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को पसंद आए आप क्लेम कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके आई क्लेम इट लिखकर, और लाइक भी कर सकते हो और सपोर्ट भी कर सकते हो। मैं ओवरऑल एनर्जीज पिक करूंगी, ये स्पेशल लव रीडिंग नहीं है। ये जो भी होगा वो सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट सिक्स मंथ्स जो है हम देखेंगे। जून मंथ की रीडिंग अगर आप लोगों को देखनी है, जून मंथ की मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ राशि अनुसार। लव की मैंने अलग डाली थी और करियर हेल्थ की मैंने और लव इंक्लूड करके एक अलग और एक राशि की जो डाली थी। जून महीने की दो दो मैंने अलग जो है राशियों की अलग अलग पोस्ट की है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल में ही, अगर आप ढूंढेंगे तो मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जून मंथ डालेंगे तो आपको मिल जाएगी। और इस रीडिंग्स को कैसे कंसिडर कर सकते हैं आप? मून साइन के अकॉर्डिंग जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मून साइन यानी के नाम के अनुसार। अगर आपको अपने नाम के अनुसार अपनी राशि नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डेट ऑफ बर्थ और मून साइन दोनों की डिटेल्स डाले हैं, आप चेक करके खुद जान सकते हैं आपकी राशि कौन सी है। अगर आप लोगों को मून साइन ज़्यादा समझ में नहीं आता तो आप डेट ऑफ बर्थ या राइजिंग साइन लग्न राशि जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग है तो ऐसे हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि हाँ मून साइन ही देखो, हाँ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सन साइन ही देखो। नहीं, आपको जैसे चाहिए आप वैसे देख सकते हैं। और इस रीडिंग को एज ए गाइडेंस लेना, इसको ऐसे मत लेना कि हाँ कितना नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नहीं, जो भी है आप एज ए गाइडेंस पर्पज ले लेना। आप यही समझने का प्रयास करना कि अच्छा जो महीने में चीज़ें अच्छी नहीं है तो उस पर आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे चीज़ें बेटर हो जाए। जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में इश्यूज नहीं होते, सबकी लाइफ बहुत स्मूथ सी होती है। अब अगर मेरा कोई महीना ऊपर नीचे होता है तो मैं समझ जाती हूँ कि अच्छा मैं इमोशनली थोड़ी सी ऑफ रहूँगी इस महीने, ओके सो आई डू वन थिंग कि मैं इस टाइम पर मेडिटेशन बढ़ा दूंगी या मैं अपनी हीलिंग पर ज़्यादा फोकस करूँगी। तो उसी तरह आपको भी ध्यान देना होगा कि जो भी महीना आप लोगों के लिए खास नहीं होगा उस महीने में आप अपने अंदर जो है अपने स्ट्रेंथ्स पर काम करो, कुछ और चीज़ें करो जिससे वो महीना भी आप लोगों के लिए लकी और शुभ हो जाए, ठीक है। मैं अपनी रीडिंग एक एक करके शुरू करूंगी। ये था आप लोगों के लिए इंट्रो, ये बेसिक नॉलेज है, जरूरी था। रीडिंग जो है ध्यान रखना जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप लड़का हैं या लड़की हैं, थी है या था है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करो, आप लोग अच्छे से जानते हो आप लोगों को थी सुनना है या था, पिक करो एनर्जीज को सिर्फ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग नाउ। सो अब बारी है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की, देखेंगे मकर राशि वालों के लिए नेक्स्ट सिक्स मंथ्स कैसे रहेंगे ओवरऑल। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए बताएं। फोर ऑफ वॉन्स, एम्परर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स फोर ऑफ वॉन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। फोर ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई करें। दी वर्ल्ड, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कैप्रिकॉर्न राशि वालों, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। बता देती हूँ कि इस टाइम फ्रेम में आपके सारे लिए गए फैसले बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते नजर आएंगे। ये टाइम वो होगा जहां पर आप पार्टी, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर्स भी अटेंड करेंगे, किसी की शादी हो सकती है या आपकी शादी फिक्स हो सकती है इस टाइम पे। अगर कहीं बात चल रही है वहां बात पक्की हो सकती है, कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। मैरिड लोगों के लिए बहुत अच्छा लव रिलेशनशिप देखा जाएगा। भाई मैरिड लोगों के लिए तो एकदम यूनियन वगैरह, मतलब रोमांटिक एनर्जी है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, उनके यूनियन होने के चांसेस भी हैं इस टाइम पे। यूनियन हो सकता है अगर आप अपनी लाइफ में एक्स को वापस चाहते हो तो। ये टाइम हैप्पीनेस का होगा, ग्रोथ का होगा। आपके करियर में भी आप अच्छी ग्रोथ हासिल करेंगे इस टाइम पे। अगर आपको जैसे प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन मिल सकती है। जुलाई का महीना आपके फैमिली लाइफ में भी बेस्ट होगा। बेस्ट मतलब एक बोलते ना एनर्जी रहेगी जहां पर आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपके किए गए काम, कोई भी प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट में भी आपको सफलता मिलती नजर आएगी।
जुलाई का महीना आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट एनर्जी लेकर आएगा, जहां पर आप भी अपने अंदर एक पीस ऑफ माइंड और सेटिस्फैक्शन फील करेंगे। एम्परर की एनर्जी को क्लारिफाई करें यूनिवर्स, एक सेकेंड ना, एम्परर की एनर्जी क्लारिफाई, सिक्स ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ सॉक्स। इस टाइम पे होंगे आप लीडर। अगस्त के मंथ में आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी देखी जाएगी। आप अपनी टीम को, अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को ऐसे मैनेज करते नजर आएंगे कि क्या ही बताएं। मतलब आप समझ लो आप अपनी लाइफ के बॉस होंगे। आपसे कोई नाराज नहीं हो सकता, या ऐसी एनर्जी कह सकते हैं कि आपकी अंडर एक अथॉरिटेटिव बॉसी एनर्जी देखी जाएगी। नामुमकिन कुछ भी नहीं, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन्स भी देखे जाएंगे। जुलाई मंथ का भी ब्लेसिंग वही है, और अगस्त में भी आपके लिए ऐसी एनर्जी बिल्ड हो रही है जहां पर आपके काम में आपको सफलता मिलेगी, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपका नाम होगा। काफी ऐसी एनर्जी है जहां पर अचीवमेंट्स या गोल्स पूरे होंगे आपके। इस टाइम फ्रेम पे इवन आपकी फैमिली वाले हों, आपके आपके फ्रेंड्स हो, सब आपकी बातें पूछेंगे, ना सिर्फ पूछेंगे मतलब आपकी बातें करेंगे, ना सिर्फ पूछेंगे बल्कि आपसे एडवाइस ली जाएंगी। बकायदा आपकी प्रशंसा ही नहीं की जाएगी बल्कि एडवाइस ली जाएगी। लोग आपसे एडवाइस लेंगे कि यार बताओ मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, ये वो टाइम होगा। जॉब वगैरह ढूंढ रहे तो जॉब भी मिल सकता है। ये दोनों महीने आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग से भरे नजर आएंगे। ये टाइम फ्रेम वो होगा जहां पर आप अगर शादी वादी करना चाहते हैं, कोई नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो भी हो सकता है, या पुराने मनमुटाव जो है आपके आपके पार्टनर के साथ खत्म हो सकते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लारिफाई करें। एट ऑफ वॉन्स, एम्परर एंड दी एम्प्रेस। ओके, यहां पर जो एनर्जी बिल्ड हो रही है ये जुलाई, अगस्त और सेप्टेम्बर, राइट? सेप्टेम्बर के मंथ में अचानक से ज्यादा अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है, बहुत अच्छा खासा धन लाभ। ये टाइम वो होगा जहां पर आप बहुत ज्यादा पैसा बना रहे होंगे। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसके अच्छे रिवॉर्ड्स आएंगे, कोई बिजनेस में आपकी कोई डील है वो डील हो जाएगी, कहीं से भी अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। आपके किए गए कर्मा, आपके हार्डवर्क के रिजल्ट अच्छे रहेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, जॉब वगैरह भी मिल सकती है। ये टाइम वो है जहां पर आपके पूर्वजों से भी आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस भी मिलेंगी, यानी कि अगर किसी तरीके की कम्युनिकेशन का वेट है, कोई विदेश का ऑफर चाहिए, बाहर का ऑफर चाहिए, तो वो बाहर का ऑफर आ जाएगा। इस टाइम पे अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा रहेगा आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनैलिटी या आपके अंदर की एनर्जीज को देखकर लोग आपसे आकर्षित होते नजर आएंगे, लोग आप में इंटरेस्ट लेते नजर आएंगे। आप जैसा कहेंगे वैसे होता हुआ नजर आएगा। ये वो टाइम होगा जहां पर आप बोलो रात तो रात हो जाएगी, आपको दिन तो दिन बन जाएगा, वो वाला समय होगा। इस टाइम पे आप कॉन्फिडेंट काफी ज्यादा रहेंगे, रोमांटिक एनर्जी भी रहेगी। अगर बच्चे वगैरह प्लान कर रहे हैं तो ये महीना सबसे ब्लेस्ड होगा आपके लिए। इस टाइम फ्रेम पे आपकी बेबी प्लानिंग भी सक्सेसफुल हो सकती है, बाकायदा घर में गुड न्यूज आ सकती है, और बहुत ज्यादा आपको अपने अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन या सेल्फ वर्थ अच्छी होते हुए नजर आएगी। कैप्रिकॉन राशि वालों अगर कहूं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीनों महीने ब्लेसिंग से भरे होंगे, बहुत ही बेहतरीन महीने साबित होंगे आपके लिए। यानी कि लगेगा आपकी लाइफ में कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लाइक इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आप हैप्पीएस्ट फॉर्म में नजर आएंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। हैंगमैन, एस ऑफ पेंटिकल्स, दी स्टार। तो यहां वो समय आता हुआ नजर आ रहा है जहां पर अक्टूबर के महीने में आप बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही बेहतरीन लवर बनेंगे। आपका इमोशंस पे ज्यादा ध्यान रहेगा, प्यार पे फोकस करेंगे, इमोशनल चीजों पे फोकस करेंगे। पार्टनर के प्रति आप बहुत निछावर होते हुए नजर आएंगे, बहुत लव देंगे उन्हें, बहुत केयर करेंगे सबकी। अगर आपके बच्चे हैं तो एक बहुत बेहतरीन फादर या मदर बनते नजर आएंगे इस टाइम पे। ये टाइम वो होगा जहां पर आप बहुत ही रोमांटिक एनर्जी, एकदम लॉयल एनर्जी में नजर आएंगे। किसी को पॉसिबिलिटी है कि आप कमिटमेंट दे दें। इस टाइम आप अपनी प्रार्थनाओं में भी किसी का प्यार मांग सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में किसी व्यक्ति को आप चाहते हैं तो उस टाइम पे आप मांगेंगे, ऐसी एनर्जी भी बन रही है। ये टाइम फ्रेम वो होगा जहां पर आपको कोई कमिटमेंट भी मिल सकता है। अगर किसी व्यक्ति से कमिटमेंट चाह रहे हो तो वो भी मिल सकता है, या आप किसी को कमिट करेंगे। ये टाइम फ्रेम आपका ध्यान थोड़ा सा काम में कम रहेगा और अपने आप पे ज्यादा रहेगा, सेल्फ ऑब्सेस्ड नजर आएंगे,
अपने आप में हैप्पी रहेंगे, काम वाम नहीं देखेंगे या किसी की चिंता नहीं रहेगी, सिर्फ चाहिए तो प्यार चाहिए और वो प्यार आपको जहाँ से मिले आप उसे वेलकम करेंगे। किसी व्यक्ति को हो सकता है अपनी तरफ आकर्षित भी करेंगे। कुछ नई लव की लव लाइफ में एक नई शुरुआत भी हो सकती है इस टाइम पे। लव लाइफ में एक न्यू स्टार्ट भी हो सकता है। अब मैं देख लेती हूँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लारिफाई पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी की क्लारिफाई करें। कैप्रिकॉर्न राशि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्लारिफाई करें। इस समय नवंबर का महीना होगा ये, इस समय आपके इमेच्योर एक्शंस नजर आएंगे। आप कोई भी फैसला बहुत जल्दबाजी में लेंगे, आपसे कोई गलतियां भी होती हुई नजर आएंगी। इस टाइम पे आप अध्ययन भी करने की कोशिश करेंगे, यानी कि नई नई चीज़ों में आपका इंटरेस्ट आएगा और जो भी काम उठाएंगे उसे आधा छोड़ने की कोशिश करेंगे, काम पूरा नहीं करेंगे या किसी न किसी वजह से काम पूरे हो नहीं पाएंगे। ये टाइम वो टाइम होगा जहाँ पर आप जो है अपने मन की करेंगे, अपने मन की सुनेंगे। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पर आप अपने डिसीजन खुद लेते नजर आएंगे। लोग अगर आपको कुछ गाइड कर रहे तो उनको आप ध्यान नहीं देंगे। आप इस वक्त सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस करने की सोचेंगे, सेविंग्स वगैरह के बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि सेविंग्स पे फोकस किया जाए। कुछ ऐसी जगहों पे भी निवेश कर लेंगे जहाँ पे भले आपको लोग मना कर रहे हैं, आप सुनेंगे नहीं, अपने मन की करेंगे, प्रॉपर्टी या लैंड की डीलिंग करेंगे या घर वगैरह खरीदेंगे। लाइक इस तरीके की एनर्जी बन रही है इस टाइम फ्रेम पे। फ्यूचर के लिए कोई ऐसा निर्णय लेंगे, कुछ बहुत बड़े फैसले लेंगे जिसमें सिर्फ अपने मन की करते नजर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे। इस समय वो पीरियड रहेगा जहाँ पर आप, अगर लव इमोशंस में मैं बताऊँ तो ज़्यादा लव इमोशंस पे फोकस नज़र नहीं आएंगे। इनफैक्ट पार्टनर को अवॉइड ही करते नज़र आएंगे, ज़्यादा किसी को ध्यान नहीं देंगे, अपने अपनी धुन में, अपने काम पे, अपनी अपनी लाइफ पे फोकस नज़र आएंगे। ये टाइम फ्रेम वो भी है जहाँ पर आप कुछ गलतियाँ भी कर सकते हैं, आपसे कोई गलतियाँ भी हो सकती है। डिसीजन लेने से पहले हो सके तो सबकी राय लें और फिर एक डिसीजन लें, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा, नवंबर का महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर कोई रिजल्ट आ रही है तो बहुत अच्छी रिजल्ट आएगी। अब बात करते हैं हम दिसंबर के महीने की। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ सिक्स ऑफ सॉट्स क्लारिफाई, सिक्स ऑफ सॉट्स, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स। दिसंबर के मंथ में आपकी लाइफ में आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस या एडजस्टमेंट करने पड़ जाएंगे। ना चाहते हुए भी किसी के सामने झुकना पड़ जाएगा, गलती ना होते हुए भी किसी के सामने सॉरी बोलना पड़ जाएगा। ये वो समय होगा जहां पर आप अपने रिश्तों को सुधारने के लिए साम दाम दंड भेस करते नजर आएंगे। अपने रिलेशनशिप्स को, अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए कुछ तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे। ये होगा समय वो जिसमें हम कहेंगे कि नई शुरुआत का समय है, ये न्यू बिगनिंग का समय होगा। अगर पार्टनर के साथ कांटेक्ट में है तो आप एडजस्ट करके चीज़ें स्थिर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पार्टनर के साथ कांटेक्ट में नहीं है तो आप एक न्यू जो है अपनी बिगनिंग करते नजर आएंगे। आपको लगेगा ठीक है यार, यहाँ पर अब और नहीं कर सकते, इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रेश। थोड़ा दिसंबर का महीना आपके लिए पेनफुल रहेगा, जहाँ पर आपको दुख भी बहुत होगा कुछ ना कुछ अपने इमोशंस को लेकर। इस टाइम आप अपने जीवन में किसी को चाहते हैं लेकिन आप उनको अपने हाथ से निकलता हुआ महसूस कर रहे हैं या उन्हें बदलता हुआ महसूस कर रहे हैं। किसी तरीके का दुख आपके अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। इस टाइम पे आप किसी को चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके अंडरस्टैंड आपको अंडरस्टैंड करे और आपको वैल्यू करे। इस टाइम पे आप एक ऐसी स्थिति में रहेंगे जहां पर इमोशनल डिस्टर्बेंस जरूर है, काम पे ध्यान देना चाहेंगे, फोकस थोड़ा सा भटका रहेगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए हो सकता है आप ट्रैवलिंग भी करेंगे या अनएक्सपेक्टेड कोई ट्रैवलिंग या कहीं बाहर जाना पड़ सकता है अचानक से। दिसंबर का महीना अगर मैं आपके लिए देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे, टेंशन ज़्यादा लेंगे। एक वो समय रहेगा जहां पर आपको बार बार अपनी बातों को साबित करने का प्रयास करना पड़ जाएगा, कोशिशें करनी पड़ेंगी, आप ही ज़्यादा एक्शंस लेते नजर आएंगे। लोगों को आपके बारे में कन्विंस करते हुए, आपकी छवि एक्सप्लेन करते हुए, आप ऐसे नहीं आप ऐसे हैं, ऐसी एनर्जीज को एक्सप्लेन करते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं इस टाइम पे।
एक्टिव रहेंगे, काम पे ध्यान देंगे, पर फोकस थोड़ा सा कहीं ना कहीं डगमगाएगा आपका। ये टाइम आपकी इच्छा पूरी ना होने का कोई दुख होगा आपको कहीं ना कहीं। मैंने जैसे कि कहा, दिसंबर का महीना आपके लिए खास नहीं है, वो ठीक ठाक रहेगा। इस टाइम पे फाइनेंशियल स्थिति या करियर में भी मुझे कुछ खास इंप्रूवमेंट या ग्रोथ नहीं दिख रही है। वो टाइम नहीं होगा जहाँ पे कुछ अच्छा हो जाए, ये टाइम वो होगा जहाँ पर आप झुकना ही सही समझेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही सही समझेंगे। पर एक चीज़ मैं बेहतरीन बोलूँगी कैप्रिकॉर्न राशि वालों, फिर भी कंपैरेटिवली जितने लोगों की रीडिंग आई है, जितने राशियों की मैंने रीडिंग करी है अभी तक, उसके बेसिस पे फिर भी मैं कहूँगी कैप्रिकॉर्न राशि वालों, आप लोगों का फॉर्म बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके काफ़ी महीने अच्छे आए हैं, आपके काफ़ी महीने बेहतरीन आए हैं, जिसमें आप फाइनेंशियली भी बहुत अपग्रेडेड हो, यहाँ पर बेस्ट ग्रोथ हासिल कर रहे हो, और इमोशनली भी आपकी लाइफ में जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो रहा है। इवन मैरिज वगैरह ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड मंथ आपके जो है ठीक ठाक ही हैं, जो अच्छे इतने खास नहीं लग रहे। ओवरऑल तो मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छे हैं आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स, मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अगले 6 महीने आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड नज़र आ रहे हैं। कोई काम वाम में भी अगर आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये टाइम अच्छा होगा, कोई काम की शुरुआत करनी है तो ये टाइम अच्छा होगा, आप शुरुआत कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में सफलता रहेगी, चीज़ें अच्छी हैं, धन लाभ है, लेकिन यस याद रखना शॉर्टकट मनी नहीं कमाना है, मेहनत के दम पर ही कमाएंगे। तो अगर सोच रहे रातों रात लॉटरी लग जाएगी, तो लॉटरी के चक्कर में मत पड़ो, मेहनत करो, क्योंकि परिणाम और फल जो है मेहनत का ही मिलने वाला है। जो मेहनत आप कर रहे हो उसी के ही रिजल्ट और रिवॉर्ड आपको मिलते नजर आएंगे। सो ये थी कैप्रिकॉर्न राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग आप लोगों को पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।